हाय गाइस नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम सुमन। मेरी वेट लॉस जर्नी चल रही है और सुबह से हो रही है बारिश। अब बारिश हो रही है तो मन करता है यार कुछ चटपटा सा खा लो, कुछ अच्छा सा खा लो, कुछ यम्मी सा मिल जाए, बारिश के मज़े आ जाएं। बारिश हो रही है 3-4 घंटे की, आपकी वेट लॉस की जर्नी चल रही है पिछले 3-4 हफ्तों से या कुछ महीनों से। आप अपने टारगेट के बिल्कुल करीब है, बॉडी के हार्मोन सब बैलेंस होने लग गए हैं, दिमाग में बिल्कुल चीटिंग का दूर दूर तक निशान नहीं है। अचानक से बारिश हो गई और आपका मन करता है कुछ चटपटा सा खाने का। एक दिन से कुछ नहीं होता, एक मील से कुछ नहीं होता, होता तो कुछ नहीं है, बट मेक श्योर कि जो भी आप खाओ वो थोड़ा सा इस तरीके का हो कि आपकी वेट लॉस जर्नी पे कुछ इफेक्ट ना पड़े। आप कुछ लोग हैं ट्रैवल कर रहे हैं, गर्मियां हैं, छुट्टियां हैं बच्चों की, बाहर जा रहे हैं और खूब सारा वेट बढ़ा कर आ रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है, टोटल गलत। मतलब आपकी मेहनत है 3-4 हफ्तों की या कुछ महीनों की, उसको आप 2-3 दिन के अंदर स्पॉइल करके आ रहे हो, वो भी बिल्कुल गलत है। नहीं, संडे को मैं वीडियो डालूंगी व्हाट आई ईट इन अ डे एंड मेरा वेट लॉस जर्नी की। मेरा 66.2 और 9 से मैं आ गई हूँ 62 पर एंड टच वुड, बड़ी मुश्किल से मैंने यहाँ तक खींचा। इतनी सारी आउटिंग्स और इतने सारे खाना खाए, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही, बट स्टिल मैं मैनेज कर रही हूँ अपना वेट लॉस का जर्नी बड़ी मुश्किल से। सो अब बारिश हो गई तो अब ऐसा तो है नहीं कि मैं अपनी वेट लॉस जर्नी ख़राब कर दूंगी। सो आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ लंच की 4 मानसून से रिलेटेड रेसिपीज। जब भी बारिश हो ना ये बना के खा लो, सच बता रही हूँ सारी क्रेविंग खत्म हो जाएगी। सो जल्दी जल्दी चलते हैं किचन में और हम बनाएंगे मानसून की रेसिपी स्पेशल रिलेटेड टू लंच। लेट्स गो। ओके, फर्स्ट रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं कुकम्बर राइस। ये लिया हमने ऑयल। जिन जिन लोगों को बहुत ज़्यादा ह्यूमिड जैसा फील हो रहा है बारिश में एंड कुछ क्रिस्पी खाने का मन है, उनके लिए कुकम्बर राइस। कड़ी पत्ता। नेक्स्ट मैं डाल रही हूँ थोड़े से पीनट्स। अच्छे से हमने मिक्स कर दिया। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर अब हम डालेंगे हमारे खीरा, कद्दूकस किया हुआ खीरा। इसके अंदर अब हम डालेंगे हमारे उबले हुए चावल, एक कटोरी जितने चावल एक बंदे के लिए। अब इसके अंदर हम डालेंगे हमारे खूब सारे मसाले। इसमें डाला मैंने सॉल्ट। नेक्स्ट इसके अंदर हम डालेंगे हींग पाउडर। नेक्स्ट इसके अंदर हम डालेंगे धनिया पाउडर। नेक्स्ट हम इसके अंदर डाल देंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी। इसको खूब अच्छे से हमने मिक्स करा। नेक्स्ट इसके अंदर हम डाल रहे हैं हमारी हरी चटनी, मिंट की चटनी घर पे बनी हुई, 1 चम्मच 2 चम्मच। गैस बंद एंड ये रेडी। ओके, हाँ, सो हमारा मानसून का लंच रेडी। ओके, सेकंड ऑप्शन है हमारे पास मानसून का सबका फेवरेट भुट्टा। सो ये जो भुट्टा है हमें लोकल सब्जी मंडी में मिल जाएगा। पहले हम लेंगे इसके मसाले। सो पहले मैंने लिया है चाट मसाला क्योंकि हम सब खा रहे हैं भुट्टा साथ में। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डाल रही हूँ नमक। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूंगी थोड़ा सा मेरा जीरा पाउडर एंड हल्का सा मैं डालूंगी धनिया पाउडर। सबको हम खूब अच्छे से मिक्स करेंगे। ओके, अब हम भुनेंगे भुट्टे को। माय भुट्टा इज रेडी, नींबू इज रेडी, मसाला इज रेडी। चलो जी, अच्छे से हम इसको रब कर लेते हैं। सो हियर वी गो, लंच रेडी। अगर आप बाहर भी हो एंड आप कहीं फंस गए हो तब भी आप ये भुट्टा ले सकते हो, बट अगेन मेरे जितने मेंबर्स हैं वो मुझे कॉल करेंगे, हम डेली भुट्टा खा सकते हैं, तो कृपया करके आप अपनी डाइट पे स्टिक रहेंगे। ओके, नेक्स्ट अब हम बनाने जा रहे हैं हमारी हाई प्रोटीन सैलेड, राजमा की सैलेड। बहुत ही सिंपल है, कुछ बेसिक चीज़ें जो घर पे पड़ी हों, क्योंकि बारिश में काफ़ी हद तक ये भी होता है कि स्विगी एंड ब्लिंकिट या फिर जोमेटो हमारे ऑर्डर्स भी नहीं लेते हैं। सो हम बना रहे हैं घर के बेसिक चीज़ों से राजमा की सैलेड। सबसे पहले मेरे पास है 1 कटोरी जितने हमारे उबले हुए राजमा, डाल दिए। नेक्स्ट किसी भी टाइप की शिमला मिर्ची, हमारे पास है यहाँ पे 3 टाइप की शिमला मिर्ची, डाल दिए। नेक्स्ट हमारे पास है कटे हुए प्याज, सबके पास होते हैं घर पे प्याज,
डल गए। नेक्स्ट एक कटा हुआ टमाटर, ओहो बीज आ गए, बीज हटा देंगे जी हम यहाँ से। नेक्स्ट इसके अंदर हम डालेंगे हमारे बेसिक से मसाले, डाल देंगे जी नमक, धनिया पाउडर, और सबसे अच्छी चीज़ इसमें हम डालेंगे हमारी हरी चटनी, एक चम्मच जितनी मिंट की चटनी जो घर पे सबके यूजुअली होती ही है। कर दो जी सबको मिक्स। अब इसके ऊपर आपने लेमन डालने का मन है हम लेमन डाल सकते हैं, स्किप करने का मन है लेमन तो लेमन स्किप भी हो जाएगा। ये लीजिए हमारी सैलेड, इट्स रेडी। ओके नेक्स्ट इज हम बनाने जा रहे हैं हमारी ब्लैक चना की चाट। अब यहाँ पे मेरे पास है मखाने जो मैं पहले ही भून के रखती हूँ अपने घर पे। मुट्ठी भर हमने डाल दिया मखाना। नेक्स्ट हमने डाल दिया हमारे प्याज। नेक्स्ट हमने डाल दिया हमारे टमाटर। नेक्स्ट हमने डाले हमारे पीनट्स। नेक्स्ट हमारे पास उबले हुए पड़े हैं ब्लैक चना, ये भी हमने थोड़े से इसमें डाल दिए। नेक्स्ट हम डालेंगे इसके अंदर नमक, और इसके अंदर हम डालेंगे सूखा धनिया पाउडर, थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे हमारा चाट मसाला, एंड इन सब को हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, बहुत बहुत अच्छे से। ऊपर से अब हम डाल देंगे इसमें हमारा नींबू, एंड ये रहा हमारा लंच। बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से क्रेविंग हमारी ख़त्म, टमी फुल। ओके सो ये थी हमारी मॉनसून की रेसिपीज़, इसको एंजॉय करेंगे विद फैमिली फ्रेंड्स, एंड कोई भी जंक हम नहीं खाएंगे। सो या दैट्स इट, आई सी यू ऑन संडे विद माय वेट लॉस जर्नी का वीडियो, एंड उसमें व्हाट आई ईट इन अ डे। सो या टेक केयर जी, बाय बाय।